हेलो गाइस, आई एम नरेंद्र अग्रवाल। वेलकम टू यू ऑल ऑन योर ओन कोडिंग चैनल कोड फ्रिक्स, मेड बाय यू, मेड फॉर यू। सो लेट्स नो स्टार्ट टुडेज जेएफजी प्रॉब्लम। आज की जेएफजी की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना, 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोज जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या था कि ये स्ट्रिंग थी, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी ए बी ए बहुत सही था, यहाँ पे अपने ए को कन्वर्ट कर दिया, इसको ट्रिपल ए बना दिया, ठीक है। लेकिन जस्ट सपोज कि ट्रिपल ए भी हो सकता था ना, कि मैक्सिमम स्ट्रिंग ना हो, आगे कहीं और ए ए आ जाए, ठीक है। वहां पे कहीं 5 बार एक साथ आ गया और अपन दो और कन्वर्जन कर सकते हैं, तो लेट जस्ट सपोज कि 7 एक साथ में आ गए, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि अपने को ए यहाँ पे स्टार्टिंग में मिल रहा है तो ए आगे नहीं मिल सकता। तो अपने को इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि पूरी स्ट्रिंग में जहां जहां पर भी ए है, तो पहले पूरी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज चेक करवा लो कि अगर ए को कन्वर्ट करते हैं अपन तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, बी को कन्वर्ट करते हैं तो ये हो सकती है, सी को कन्वर्ट करते हैं तो ये हो सकती है, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। उससे क्या होगा कि अभी पास 26 लेटर्स ही हैं, ठीक है। 26 लेटर्स को अगर अपन एन बार चला भी ले तो क्या होगी कॉम्प्लेक्सिटी? 26 इंटू एन फिक्स कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, 26 इंटू ओ ऑफ एन, जिसको 26 इंटू ओ एफ एन को अपन 26 हटा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो लास्ट में पॉसिबिलिटी क्या बच जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या बच जाएगी, ओ ऑफ एन, ठीक है। तो उस पर अपन बिल्कुल सही आ ही रहे हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं। कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन अगर आपको सबकी स्टोर करवानी है कि हाँ ए में इतनी लग रही है, बी में इतनी लग रही है, सी में इतनी लग रही है, तो स्पेस तो स्टोर करवा लो, नहीं तो अपने को यहाँ पे सिर्फ मैक्सिमम आंसर देना है। तो वहां पे जिसमें भी मैक्सिमम आता है उसको मैक्सिमम नाम का एक इंटीजर वैल्यू बना लो और उसमें अपडेट करवा। अच्छा, अब जिसको समझ में नहीं आया ना, उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अभी अपन बड़े आराम से देखने वाले हैं कि सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम कहना क्या चाह रही है, ठीक है। फिर इसके ऊपर अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली वी विल मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि एक इनपुट में ना अपने को कुछ तो स्ट्रिंग गिवन है, प्लस कुछ ना कुछ के नाम का एक इंटीजर है उसमें गिवन है। अपने को करना क्या है देखते हैं। अपने देखो ये अपनी स्ट्रिंग थी और ये अपना के था, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को ये करना है कि इस स्ट्रिंग में कोई सा भी एक ऐसा लेटर बताओ, ठीक है, जो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहा हो कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। तो ऐसा कौन सा लेटर है अभी तक? तो सिर्फ ए है जो एक बार आ रहा है और बी भी एक बार आ रहा है, आने को 2 बार आ रहे हैं लेकिन कॉन्टिन्यूस में नहीं आ रहे ना, फिर वापस ए एक बार आ रहा है और फिर वापस बी एक बार आ रहा है, ठीक है। तो एक बार ही हुआ, लेकिन फिर अपने को एक पॉसिबिलिटी क्या दी हुई है कि अच्छा एक काम करो कि ये जो के नंबर ऑफ टाइम्स है ना, उतने नंबर ऑफ टाइम्स आप किसी भी लेटर को चेंज कर सकते हो। मतलब जैसे ये जो बी है ना, बी को आप चेंज करके ए बना सकते हो, तो यहाँ पे एक अपना काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे अपन ने ए तो था ही अपने पास, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में इस बी को कन्वर्ट करके अपन ने ए बना दिया, ठीक है। तो अपन ने इसका कितना यूज कर लिया, एक बार यूज कर लिया, तो अब एक बार बचा है, ठीक है। उसके बाद में ए था वापस, ठीक है, ए वैसे ही लिख दिया अपन ने। उसके बाद में बी था, हाँ बी का एक और बार अपन ने कन्वर्जन कर दिया और इसको अपन ने ए लिख दिया। अब यहाँ पे अपन और कन्वर्जन कर भी नहीं सकते थे और अपनी स्ट्रिंग की साइज भी इतनी थी, एंड ऑफ डिस्कशन। अब अपने कंटिन्यूअस कितने टाइम्स हो गए, 4। हाँ अब यहाँ पे जरूरी है ए का ही करे, नहीं बी का भी कर सकते हो, यहाँ पे इसको बी कर दो और इसको भी बी कर दो। बस अपने को तो लास्ट में ये प्रिंट करवाना है कि मैक्सिमम जो कंटिन्यूअस लेटर्स हैं वो कितने हैं, ठीक है। तो 4 है, ठीक है, देख लेते हैं एक बार आंसर। हाँ 4 आ रहा है, बहुत बढ़िया। एक बार इसको भी देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, ए डी बी डी इक्वल्स टू, तो ए डी बी डी और के अपने को दे रखा था यहाँ पे 1, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ कौन सा लेटर है जिन रिपीट हो रहा है। देखो ये भी 1 टाइम आ रहा है, 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 ठीक है। हाँ अब यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं कि ए को भी यहाँ पे अपन डी को चेंज करवा के ए कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, कर सकते हो। लेकिन वहां से ए पे कितने काउंट होंगे, 2, ठीक है। अब डी को अपन चेंज करवा सकते हैं क्या, हाँ। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर चेंज करवाएंगे तो काउंट कितने होंगे, 1 और 2, ठीक है। लेकिन अगर उसी डी को यहाँ पे चेंज करवा दिया तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3, ठीक है। तो डी के काउंट कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 3। बी के काउंट कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम कहीं पे भी करवा लो 2 ही काउंट होंगे, हाँ ठीक है। और डी का तो अपन ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, हाँ। तो अब यहाँ पे मैक्सिमम काउंट किसके हुए, डी के कितने हुए, 3। तो बस 3 अपना आउटपुट में आंसर होना चाहिए, देख लेते हैं 3, यही आउटपुट में आंसर है, हाँ चलो ठीक है। अब यहाँ पे अपन समझ चुके हैं कि क्वेश्चन सबसे पहले तो अपना कहना क्या चाह रहा है, और अगर फिर भी कोई सा भी थोड़ा सा भी डाउट है ना, तो 1 मिनट रिवाइंड करके देखो, क्योंकि क्वेश्चन सबसे पहले क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, ठीक है। और फिर भी अगर कोई डाउट होना तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड डियर देयर फॉर यू, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अपने को अच्छे समझ में आ चुका है, अब अपन सोचते हैं कि अपन इसकी अप्रोच कैसे बिल्ड करेंगे। देखो सिंपली सिंपली अपने को क्या बोल रखा था कि एक स्ट्रिंग दे रखी थी, हाँ, और एक ये कुछ तो के दे रखा था। अब ये जरूरी नहीं है कि ना, जैसे मान लो ये जो अभी अपन ने देखा था क्या थी स्ट्रिंग, शायद ए डी बी डी थी, ठीक है। लेट जस्ट सपोज अब यहाँ पे अपन जब डी के इक्वल्स टू अपना 1 था, ठीक है। अब जब यहाँ पे अपने को डी एक बार करना है तो अपन ने यहाँ पे कर दिया, ठीक, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, और यहाँ पे 2 आ गया।
लेकिन इसी डी को यहाँ पे करना था कि यहाँ पे करना थी, अपने को कैसे पता चलेगा? हाँ पॉइंट है, ठीक है। तो अब इसको अपन अच्छे से समझते हैं, देखते हैं कि क्या अपन अप्रोच बिल्ड कर सकते हैं इसके ऊपर। देखो अपन एक सिंपल सिंपल एक काम करके देख सकते हैं क्या, कि जैसे ये जो स्ट्रिंग है ना, ठीक है, इस स्ट्रिंग में सबसे पहले अपन ए से जेड तक सारे लेटर्स के निकाल लेते हैं। सारे लेटर्स के निकालेंगे तो कितना होगा, 26। 26 टाइम चलाना पड़ेगा लूप को, ठीक है। ये हो गया फिक्स, ये 26 फिक्स हो गया, ये कहीं पे भी कम नहीं हो रहा ना ज़्यादा हो रहा, ठीक है। तो ये 26 क्या हो गया, फिक्स। और ये स्ट्रिंग की साइज वेरी करा सकते हैं अपन, ठीक है। तो अगर 26 टाइम्स भी मैं अगर स्ट्रिंग के साइज पे चलूंगा तो मेरी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, 26 इंटू ओ ऑफ एन। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो ओ ऑफ एन क्या आ गया, अपन कोई भी अगर इंटीजियर वैल्यू हो तो उसको हटा सकते हैं। हाँ बिल्कुल हटा सकते हैं, उसको अपन नेगलेक्ट कर देते हैं। तो अपनी लास्ट में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी थी, ओ ऑफ एन, वो अलाउड थी। हाँ वो अलाउड थी, ठीक है। ठीक है तो यहाँ पे क्या हुआ, ऐसा कुछ ही नहीं था कि अपने को सीधा पता ही था तो अपन ने देख लिया, नहीं। अपन यहाँ पे हिट करके देख रहे हैं कि क्या अपन ये लगा सकते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो अलाउ करेगी ना, बोला अलाउ तो करेगी, लगा के देखते हैं सही से काम भी करेगा या नहीं, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या क्या अपन ने ए लिया और बोलते हैं, देखते हैं ए जगह जगह पे लगा के देखते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या ए से मैक्सिमम आंसर आ पा रहा है, ठीक है। तो अभी अपने फर्स्ट में तो ए था ही, ठीक है, छोड़ दो छोड़ दो, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे ए नहीं था तो इसको बना दिया, ठीक है, और के को कर दिया डिक्रीज, अब के बचा अपना 1, ठीक है। फिर यहाँ पे ए था ही, लगा दो, और फिर यहाँ पे ए नहीं था तो वापस इसको ए लगा दिया और के को कर दिया डिक्रीज 0, ठीक है। फिर सेम अपन ने बी के साथ करके देखा, बी में भी फिर यहाँ पे लगा दिया था बी, और फिर यहाँ यहाँ पे लगा दिया था बी, ठीक है। सी में करके देखा तो सी में सिर्फ दो जगह लगा पाएंगे तो सी में तो मैक्सिमम आंसर 2 ही आएगा, एंड एंड ऑफ डिस्कशन यहाँ पे अपना 4 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल तो बहुत ईजी था, अपन वो दूसरा वाला देखते हैं, ए डी बी डी वाला देखते हैं। ए डी बी डी, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले अपन ने क्या है, ए को चेंज कर करके देखा, तो ए यहाँ पे था, इसको तो ऑफकोर्स चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब ए यहाँ पे नहीं था, ठीक है, इसको चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, दो कंटिन्यूस हो गए, ठीक है। अब के अपना हो चुका 0, के अपने इनिशियली में था के इक्वल्स टू 1, ठीक है। जैसे ही अपने यहाँ पे चेंज किया तो ये क्या हो गया, के इक्वल्स टू 0, सही बात है। अब बताओ यहाँ पे के ए ला सकते हैं क्या, नहीं। अब यहाँ पे कैसे आएगा जब अपन ने ऑलरेडी एक बार कर लिया है, तो यहाँ पे अपने को थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है ना आगे, लेट जस्ट सपोज कि ये स्ट्रिंग ऐसी भी तो हो सकती थी, आगे दो ए और भी हो सकते थे, ठीक है। तो आपने तो यहाँ पे यूज़ कर लिया, लेकिन यहाँ से तो आंसर आ रहा था 2, लेकिन जब आपने इसको कन्वर्ट किया, इसको हटाया डी को और यहाँ पे ए को रख के देखा, तो 3 आंसर आ जाते कि नहीं आते? हाँ। तो अपन यहाँ पे स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते कि अगर अपना एक बार यूज़ हो चुका है तो अपन इसको भूल जाएंगे, नहीं। तो अपने को क्या करना पड़ेगा कि अपने को ना ये देखना पड़ेगा कि इस डी को जो अपन ने कन्वर्जन किया है, इसको अपन रोल आउट कर ले। यहाँ पे अपन ने मैक्सिमम कैलकुलेट कर रखा है कि अभी तक तो अपना जो है वो ए को रखने से मैक्सिमम 2 आ रहा है, ठीक है। तो अब अपन एक काम करते हैं, इधर तक के भूल जाते हैं जहाँ तक के लिखा है, और फिर वापस यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करा तो इसको कन्वर्ट कर सकते थे, हाँ, तो अपना मैक्सिमम आंसर क्या हो जाता 1, लेकिन फिर अपन आगे नहीं चल पा रहे थे, फिर अपन इसको भी भूल गए। फिर यहाँ पे कन्वर्ट किया, हाँ कर सकते थे, यहाँ पे कन्वर्ट करते क्या आंसर हो गया, 1, 2, 3, बोला हाँ ये मैक्सिमम मिल गया ना। तो इसको दोबारा समझते हैं एक बार। देखो सबसे पहले अपन ने क्या किया, यहाँ पे तो ए था, बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, बड़े आराम से ए लिख दिया, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे क्या था, ए नहीं था, हाँ, तो ये इसको ए बना सकते हो आप, के इक्वल्स आपके पास में 1 था, सॉरी, के इक्वल्स आपके पास में 1 था, बना सकते हो, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, तो बना दिया, ठीक है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हो चुकी है, ए डी बी डी ए, सही है, हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब इसके बाद में अपन ने क्या किया, अब अपन ने ये बोला कि लेफ्ट से चलते हैं, ठीक है, और जहाँ पे भी अपन ने कन्वर्जन किया था ना एक, उस एक कन्वर्जन को हटा देता, तो यहीं पे किया था सबसे पहला कन्वर्जन, इसको हटा दो, ठीक है, इस कन्वर्जन को हटा दो और इसको वही बना दो पीछे वाला, और अब अपन आगे भी स्ट्रिंग चला के देख लेते। तो अभी अपन यहाँ पे खड़े हो गए थे उस टाइम पे, पीछे से आए अपन, पीछे से आके अपन ने फर्स्ट हटाया, फर्स्ट बाय डिफॉल्ट यही था, तो इसको हटा दिया, चलो ठीक है। अब फिर अपन ने एक एक चेंज किया, तो ये चेंज हो गया, ये चेंज होके ए में कन्वर्ट हो गया, हाँ ठीक है। अब अपना मैक्सिमम कितना आया 1, फिर अपन वापस लेफ्ट से आए, जब तक ये पूरी साइज नहीं होता जब तक तो अपन ऐसे ही करते रहेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट से आए, लेफ्ट से आते अपन ने बोला इसको भी हटा दो, जो भी लास्ट में आया था उसको हटा दो, तो लास्ट में आया इसको भी हटाया और इसको वापस बना दिया बी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो चुका है अपना, ए डी बी डी ए ए, ठीक है, ये स्ट्रिंग है अपनी और अपन यहाँ तक कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे यहीं पे अपन ने लास्ट वाला हटाया था, ठीक है, जरूरी नहीं ना के इक्वल्स टू 2 होता मान लो,
ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में चेंजेस कर लिए होते तो अपन यहाँ वाला हटा रहे होते, बट अभी के कोस टू बनी है तो ये वाला हटाना पड़े अपने, बहुत ही बढ़िया। अब क्या किया अपन ने, इसमें चेंज कर सकते थे, के कोस टू वापस अपना वन हो गया था, हाँ इसको चेंज किया, ये कह रहा था। अब अपना मैक्सिमम आंसर क्या गया, 3। ठीक है, तो ये 3 अपना आंसर हो गया। अब एक बार अपन दोबारा करके देख लेते हैं, अब के कोस टू ना 2 रख के देख लेते हैं अपन, लेट जस्ट सपोज कि के कोस टू 2 था और अपनी ये स्ट्रिंग थी, ठीक है, तो इसको दोबारा रख के देखते हैं के कोस टू 2 के लिए क्या बनता है। देखो ए डी बी डी ए और ए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले अपन ए से चेक कर रहे हैं और अपना जो के है ना वो इक्वल्स टू 2 है, ठीक। अब जब अपन ने ए से चेक किया तो सबसे पहले यहाँ पे तो ए को चेंज करवाने की जरूरत ही नहीं थी, ए ही की बनता, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पे डी था, इसको ए कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, हाँ। अब अपना के कितना हो चुका है 1, फिर ये बी था, इसको भी ए कन्वर्ट कर सकते हो, हाँ। अब कितना हो चुका है अपना के 0, ठीक है। तो अभी तक अपने को पता चला कि अपना मैक्सिमम आंसर कितना है, 3, ठीक है। ठीक है, अब अपना के और तो चेंज कर ही नहीं सकते थे अपन, हाँ। तो अब अपन क्या करेंगे कि ये जो डी है ये ए है और ये ए है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे कि जहाँ पे भी अपन ने पहला ए कन्वर्ट किया था उसको हटा देंगे। तो पहला ए कहाँ पे कन्वर्ट किया था, ए यहाँ पे आया आप, ठीक है, और ये पहला कन्वर्ट ये यहाँ पे किया था, हाँ, तो इसको हटा दो, इसको वापस हटा दो और यहाँ पे ए ही रखो, और अब यहाँ पे चेंज कर दो एक, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे कर दिया चेंज, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितने ए एक साथ हो गए, 4, 4 इज द आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार ए के लिए चला लिया ये लूप, फिर एक बार बी के लिए चला लो, देन सी के लिए, देन डी के लिए, अब हो सकता है मैक्सिमम आंसर इधर डी के लिए आए, नहीं डी के लिए भी वही 4 आएगा, एक डी यहाँ पे एक डी यहाँ पे, या फिर वैसा वैसा कुछ भी मान लो, हाँ तो ठीक है, डी के लिए भी 4 ही आएगा आंसर। तो ए डी जिसके लिए भी मैक्सिमम आ रहा हो वही आंसर अपने को रिटर्न करवाना है, समझ में आ रही है, हाँ। यहाँ पे अपन ने अप्रोच क्या चलाई, सिंपल सिंपल अपन ने अप्रोच चलाई क्या कि अपन ने पूरा जो स्ट्रिंग की साइज है उसके ऊपर इटरेट कर रहे हैं, ठीक है। इटरेट करते टाइम अपन ने क्या बोला कि ए से जेड तक यही सारी पॉसिबिलिटीज थी, इन सारी के सारे लेटर्स के लिए अपन एक बार इटरेट करके देख लेते हैं, और इटरेट करते टाइम अपन क्या करेंगे कि फर्स्ट से सारी के सारी पॉसिबिलिटीज निकाल ली कि फर्स्ट से मैक्सिमम क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है कहीं पे भी अगर अपन ए को चेंज करें तो, ठीक है। बी से क्या आ सकती है, सी से क्या आ सकती है, एंड वाइस वर्सा टिल डी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ना अपन ने कुछ ऐसा लॉजिक नहीं लगाया जो बहुत ज़्यादा टिपिकल था या फिर हार्ड था, ग्राफ का था, डीपी का था, नहीं। अपन ने नॉर्मली नॉर्मली एज एन ह्यूमन बींग अभी अगर स्ट्रिंग को सीधा देखते हैं तो सीधा देख के ये करते हैं ना कि हाँ यहाँ पे 2 डी दिख रहे हैं बीच में, तो बीच में डी लगा दो यहाँ पे मैक्सिमम होगा, ठीक है। लेकिन ये स्ट्रिंग थोड़ी सी बड़ी हो जाती है ना तो अपने को भी सोचना पड़ता है, वही अपन देखते हैं कि कहाँ पे डी आ रहे हैं मैक्सिमम, ठीक है, उसके आसपास ही लगाने की कोशिश करते हैं। तो अपन ने भी वही किया, क्या किया कि शुरुआत से ही पहले डी डी लगाते गए, ठीक है, और जहाँ जहाँ पे डी खत्म हो गए वहाँ पे अपन ने हटा दिया, बोला पीछे वाला हटा दो आगे लगा दो, इसको आगे लगा के देख लेते क्या पता मैक्सिमम कहाँ से है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, फिर भी अगर कोई भी डाउट होता है ना कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स। अब अपन देखते हैं इसका कोड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। बस अपन ने थोड़ा सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का पहले ही ध्यान रख लिया था कि जिससे अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या है मैटर ज़्यादा बढ़े ना, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या था अपने को ऑफ एनी दिया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे अपन आते हैं, देखो सबसे पहले क्या किया अपन ने, एम एक्स नाम का एक इंटीजर बनाया जिसको इनिशियली स्टोर करा दिया वैसे से। ये एम एक्स नाम का इंटीजर क्या है, देखो यही है जो अपन लास्ट में रिटर्न करवा रहे होंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा कि मैक्सिमम अपनी स्ट्रिंग की साइज क्या हो सकती है जो कि इक्वल है, ठीक है, मतलब सॉरी जो कि कॉन्टिन्यूस है। जैसे कि अगर अपने पास स्ट्रिंग कुछ भी आई, लेट जस्ट सपोज सिर्फ अपने पास ए बी सी डी डी पूरा आ गया और के इक्वल टू 0 आया, तो भी अपनी मैक्सिमम कॉन्टिन्यूस लेटर्स की लेंथ कितनी हो सकती है, 1, 1 तो है ही ना, हाँ। तो अपन ने इसलिए उसको इनिशियली इनिशियली किससे लिया, 1 से, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर अपन ने क्या किया, वही 4 का लूप चला ए से जेड तक, जो अपन बात कर ही चुके हैं कि हाँ पूरी स्ट्रिंग पे चलाएंगे अपन, उस पर अपन ए से जेड तक के सारे चला लेंगे एक बार, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में फिर क्या किया अपन ने, काउंट नाम का एक इंटीजर बनाया, सीटी मतलब काउंट होता है, ठीक है। तो काउंट नाम का एक इंटीजर वैल्यू बनाई जिसको अपन ने इनिशियली चलाया किससे, 0 से। अच्छा ये क्या है, देखो ये सिंपल सिंपल कैलकुलेशन करने वाला है, क्या करने वाला है कि जैसे ही अपन ए को, जैसे ही यहाँ पे बी था, बी को जैसे ही अपन ए में कन्वर्ट कर देंगे ना तो काउंट को अपन एक बार इंक्रीज कर देंगे। तो बस अपन ये ध्यान रखेंगे कभी भी काउंट की जो वैल्यू है ना वो के को क्रॉस ना करे, बस अपन इतनी ही बार चेंजेस कर सकते हैं इसलिए, ठीक है। बेसिकली बस के का एक बार रिप्लेक बनाया हुआ है अपन ने, ऐसा समझ लो, ठीक है। उसके बाद में अपन ने क्या किया, एक लेफ्ट पॉइंटर को चलाया और एक राइट पॉइंटर चलाया। लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर का मतलब क्या हुआ, देखो देखो यहाँ पे समझो कि क्या था, जैसे अपन यहाँ पे चल रहे थे, एक बार लिख लेते हैं वापस, ए डी
ए और ए, ठीक है। यहाँ पे अभी अपन चल रहे थे, तो चलते वक्त अपन ने क्या किया कि सबसे पहले तो ना एक अपना काउंटर पर आगे मेंटेन करके चल रहे थे। लेट जस्ट सपोज कि एक कॉस्ट अपना 2 था, ठीक है, तो यहाँ पे तो सीधा सीधा आ गया, ठीक है। और एक अपन ने इसको कन्वर्ट कर दिया, हाँ ठीक है, और एक अपन ने इसको कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पे आके खड़े हो गए अपन। हाँ, तो अपने एक पॉइंटर तो यहाँ पे खड़ा हो गया, बहुत बढ़िया। अब एक पॉइंटर पीछे से आएगा, वो क्या बोलेगा कि जहाँ पे भी तुमने पहला कन्वर्जन किया ना, मैं उसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पे पहला कन्वर्जन यहाँ पे ने यहाँ पे किया था, तो वो यहाँ पे आके खड़ा हो गया, हाँ, और बोला यहाँ पे मैंने हटा दिया है, इसको मैंने वापस डीकन्वर्ट कर दिया, अब तुम आगे जाके एक चेंज कर सकते हो। तो ये वाला जो अपना यहाँ पे था वो एक कदम और आगे गया और बोला मैंने अब इसको भी चेंज कर दिया, तो अब मैं यहाँ पे खड़ा हो गया हूँ। बोला ठीक है। फिर ये वाला राइट वाला और आगे चला गया, बोला आगे मेरे को ए मिल रहा था तो मैं चला गया, फिर मेरे को आगे एक और ए मिल रहा था तो मैं एक और बार आगे चला गया। लेफ्ट वाला तो यहीं पर रह गया, बोला अगर यहाँ पे अपना लेट जस्ट सपोज सी आता, ठीक है, तो फिर अपन क्या करते हैं कि इस लेफ्ट वाले को एक और बार चला के देख लेते हैं। यहाँ पे अपना मैक्सिमम आंसर 4 आ रहा है, तो वो तो अपन स्टोर करवाते ही जा रहे हैं कि मैक्सिमम क्या है हर बार। और यहाँ पे जैसे क्या किया अपन ने कि लेफ्ट वाले को अपन एक कदम और आगे चला देते, हाँ बोल देते कि हाँ चलो मैंने इसको भी वापस बी कन्वर्ट कर दिया है, अब तुम आगे देख लो कि क्या तुम्हारे पास आगे, मतलब इसको ए कन्वर्ट कर लो, इसको ए कन्वर्ट कर लिया और आगे देख लो क्या पता आगे और भी ए आ रहे हो तो ये और भी ज़्यादा मैक्सिमम बन जाए। सही है, तो अपने पास हमेशा 2 पॉइंटर्स की जरूरत पड़ी अपने को, एक तो राइट जो आगे चलता रहेगा और लेफ्ट वाला जो बाद में वापस उनको रोल बैक करता रहेगा, ठीक है, समझ गए। हाँ, अब फिर उसके बाद में क्या किया अपने, अभी अपने पास ए आया है 4 के लूप में इनिशियली, ठीक है। अब अपने क्या किया कि ना पूरा राइट को, राइट अपना 0 है, तो यहाँ से अपन ने स्टार्ट किया और पूरी स्ट्रिंग के साइज तक अपन इटरेट करने वाले हैं, ठीक है। तो वही अपन ने व्हाइल का लूप चलाया, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में अपन ने क्या बोला, इसकी कंडीशन चलाई, क्या क्या कंडीशन बोल रही है ये। लेट जस्ट सपोज अभी अपना ए चल रहा है, ठीक है, 4 लूप में सबसे पहले इनिशियली ए आया, हाँ, तो ये अब ये बोल रहा है कि क्या जो स्ट्रिंग की 0th पोजीशन है, राइट अभी 0 पे है, हाँ, तो स्ट्रिंग की जो 0th पोजीशन है क्या वो ए के इक्वल है, मतलब वो कैरेक्टर के इक्वल है जो ऊपर से आया। बोला हाँ उसकी इक्वल है, अभी इसके लिए इक्वल है, ठीक है। तो अभी इक्वल है तो एक काम करो कि जो mx नाम का जो इंटीजर वैल्यू थी ना, हाँ, उसमें स्टोर करवा दो मैक्सिमम किसका, राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1। अब ये क्या हो गया भैया, राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, ये क्या आ गया, ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट आ गया, ये समझ में नहीं आ रहा। देखो कोई ट्रिकी पार्ट नहीं है, यहाँ पे समझो कि अभी तक आप इस स्ट्रिंग के यहाँ पे खड़े थे, ठीक है, हाँ, लेफ्ट वाला पार्ट यहाँ पे था अपना, ठीक है, हाँ 0 पे था, अभी आप यहाँ पे खड़े थे, तो यहाँ तक में आपके कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर लेटर्स हैं यहाँ पे, बस ये बताना है अपने को, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे, बस ये बताना है, ठीक है। जैसे क्या होगा कि जस्ट सपोज कि अभी आपके यहाँ पे लेफ्ट यहाँ पे खड़े हो आप, ठीक है, और यहाँ तक का आपको कैलकुलेट करना है, तब दोबारा यहाँ से यहाँ तक काउंट करने थोड़ी ना जाओगे, तो यहाँ पे सीधा कर सकते हो कि राइट में जो भी है, मतलब जितनी अपने यहाँ तक राइट तक की लेंथ तय करी है उसमें से माइनस कर दो लेफ्ट तक की लेंथ को, तो यहाँ तक बीच की लेंथ आ जाएगी, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो वही अपन ने किया है, मैक्सिमम राइट में से माइनस कर दिया लेफ्ट की लेंथ को और +1 कर दिया, क्योंकि यहाँ पे अपन इंडेक्सिंग 0 बेस ले रहे थे इसलिए, ठीक है। उसके बाद में राइट को क्या करा दिया, ++। राइट को क्यों कराया ++, क्योंकि अब यहाँ ये तो चेक कर चुके अपन ए को, ठीक है, तो अब अपन ऑफकोर्स ही बात है ना बी को चेक करेंगे, हाँ ठीक है, तो अब यहाँ पे एल्स में जाएगा नहीं, बहुत ही बढ़िया। अब वापस आया ये, अब ये बी को चेक कर रहा है कि क्या अपना बी कैरेक्टर की इक्वल था, नहीं था, नहीं था, अभी अपना कैरेक्टर यही चल रहा है तो ए की इक्वल नहीं है, ठीक है। तो अब किस में आ जाएंगे अपन, एल्स में, ठीक है। अब एल्स में आके अपन ने क्या चेक किया कि अपन ने जो काउंटर बनाया था ना CT0, हाँ, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था कि अभी तक अपन ने एक भी चेंजेस नहीं किए हैं, ठीक है। और अब अपन ने चेक किया कि क्या यहाँ पे जितने नंबर ऑफ चेंजेस हुए हैं वो के से कम है क्या, तो हाँ 0 है, अभी तो अपन ने एक भी चेंजेस नहीं किया है, तो CT=0 है, और कि अपना 2 है, 2 बार अपन चेंजेस कर सकते थे, ठीक है। तो अब अपन सीधा इसमें आए सबसे पहले, और अपन ने आते ही क्या किया कि काउंटर को 1 इंक्रीज कर दिया, बोला हाँ कि अब अपन ने ऐसा मान लेंगे कि 1 चेंज अपन ने कर दिया है। और अपन ने क्या किया, मैक्सिमम में राइट को तो पहले ही ++ कर दिया था, ठीक है, और अब राइट में, सॉरी, अब मैक्सिमम में जो लेंथ है ना वो स्टोर करवा दी, तो अब मैक्सिमम की लेंथ कितनी होंगी, राइट की क्या वैल्यू थी 1, तो 1 माइनस लेफ्ट की वैल्यू थी 0, तो 1 माइनस वाली टर्म हटी गई, तो 1 + 1 2 हो गई, मैक्सिमम में क्या आंसर आ गया 2, ठीक है, यहाँ तक 2 ही आ सकता था मैक्सिमम, हाँ सही बात है। उसके बाद में राइट को अपन ने एक और बार इंक्रीमेंट कर दिया, क्यों, क्योंकि अब अपन देखेंगे इस वाले ए को, हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब लेट जस्ट सपोज कि यहाँ पे ना K=1 होता, हाँ K=1 होता, तो यहाँ पे क्या होता कि अब यहाँ पे AAA तो आ चुका होता, ठीक है, K=1 होते, यहाँ तक तो अपन कैलकुलेट कर ही चुके हैं। उसके बाद में क्या होता, वापस आता और वापस कैरेक्टर जो होता ना वो इसके, मतलब ए के इक्वल हो जाता कैरेक्टर, हाँ, और ये यहाँ से राइट को वापस ++ कर देता, mx में 3 हो जाता, ठीक है, तो यहाँ पे तो हो गया था। अब लेट जस्ट सपोज कि अब ये बी पे आया है, राइट को वापस ++ हुआ, अब ये बी पे आ गया, ठीक है, बी पे आया, तो ये कैरेक्टर
कैरेक्टर के इक्वल था नहीं तो इस इफ में जाएगा नहीं। फिर एल्स में गया तो एल्स में काउंट भी अपना अगर के इक्वल टू अगर अपन वन मान ले तो इस इफ में भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आए एल्स में, ठीक है। अब एल्स में आने के बाद में क्या हुआ, एल्स में आने के बाद में सिंपली क्या हुआ, एक वाइल का लूप चला, लेफ्ट लेफ्ट से चला, लेफ्ट दो कंडीशन चली लेफ्ट में कि एक तो लेफ्ट में जब तक उसके साइज के इक्वल ना हो जाए कि हाँ भाई ट्रैवर्स करते करते लास्ट तक आ गए, ऐसा भी ना मत करना, ठीक है, लास्ट तक आ जाए तो भी व्हाइल का लूप वहाँ पे टर्मिनेट कर देना। और साथ ही साथ जो लेफ्ट है ना, ठीक है, वो लेफ्ट अगर अपना कैरेक्टर के बराबर हो गया तो भी टर्मिनेट कर देना। तो कैरेक्टर के बराबर कब हो जाएगा, देखो समझो यहाँ पे कि यहाँ पे ये था, हाँ ठीक है, तो एक ये कैरेक्टर हो तो चलता रहे, नहीं हो तो टर्मिनेट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, ए था तो चलता रहा, इसको पास ऑन कर गया, तो जब ये जीरो था तो उसको पास ऑन करके लेफ्ट प्लस प्लस हो गया। तो जैसे इस पे आया बी पे, ठीक है, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। आप बी पे आधे टर्मिनेट हुआ, हाँ टर्मिनेट होते ही लेफ्ट को एक और बार प्लस प्लस किया, तो अब लेफ्ट के अंदर क्या वैल्यू हो गई, टू। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, लेफ्ट यहाँ पे आके खड़ा हो गया है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और काउंटर में से एक अपन ने माइनस कर दिया है, क्यों, क्योंकि अब अपन ने बोला कि इस वाले को अपन ने वापस बी कन्वर्जन कर दिया, तो अब अपन आगे एक और कन्वर्जन कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, तो अब आगे इसको अपन एक और कन्वर्ट कर पाएंगे, ठीक है। और लास्ट में अपने जो भी मैक्सिमम में आंसर आ रहा था वो अपन ने रिटर्न करवा दिया, एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी कोई भी डाउट होता है ना तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा, जो इसका कोड है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑलरेडी सबमिट हो चुका है।